लाहौर के उर्दू अखबार के संपादक को एक खत मिला। खत में लिखा था, मैं जावेद इकबाल, मैंने 100 बच्चों की हत्या की है और फिर उनकी लाश को तेजाब में गला दिया है। इन बच्चों में ज्यादातर अपना घर छोड़कर भागे थे या अनाथ थे। ये कहानी है पाकिस्तान के कुख्यात सीरियल किलर की, जिसका पाकिस्तान की गलियों में आज भी एक नाम सुनकर खौफ से सन्नाटा पसर जाता है। यह नाम है एक ऐसे सीरियल किलर का जिसने एक या दो नहीं बल्कि 100 बच्चों को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया था। जावेद इकबाल नाम के इस सीरियल किलर के पागलपन की हद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने 100 बच्चे की हत्या करने की कसम खाई थी और अपने मकसद में कामयाब होने के बाद उसने सरेंडर कर दिया था। जावेद इकबाल की कहानी किसी आम हत्यारे की कहानी नहीं है जो इतिहास के पन्नों में आसानी से दफन हो जाए। जब जब पाकिस्तान के किसी कोने में हैवानियत सर उठाती है, जावेद इकबाल का नाम लोगों की जुबान पर खुद ब खुद आ जाता है। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के सबसे दुर्दांत सीरियल किलर के बारे में और उसके अंत के बारे में। 90 का दशक अपने अंतिम दौर में था। कुछ ही सालों बाद नया दशक और नई शताब्दी शुरू होने वाली थी। साल था 1999 का, जब लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक खत मिला। खत में लिखा था, मैं जावेद इकबाल, मैंने 100 बच्चों की हत्या की है और उनकी लाशों को तेजाब में गला दिया। इन बच्चों में ज्यादातर अपना घर छोड़कर भागे थे या अनाथ। चिट्ठी में उस जगह का भी ब्यौरा दिया गया था जहां इस जगह ने अपराध को अंजाम दिया था। इस चिट्ठी को पढ़कर अखबार के संपादक के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने अपने एक पत्रकार को चिट्ठी में बताई गई जगह पर भेजा। पत्रकार जब वहां पहुंचा तो वहां फर्श और दीवालों पर खून के निशान पाए और एक बैग में बच्चों के जूते और कपड़े मिले, जिनमें उन बच्चों के बारे में लिखा था जिन्हें जावेद ने अपना शिकार बनाया था। जावेद ने इसी तरह एक चिट्ठी लाहौर पुलिस को भी भेजी थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्राइम सीन का मुआयना कर रहे पत्रकार की नज़र दो बड़े कंटेनर पर पड़ी। इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बच्चों की हड्डियों के ढांचे थे। पत्रकार ने इसकी जानकारी संपादक को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और जावेद के बारे में दुनिया को पता चला। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। तभी पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसमें लिखा था, मैंने कुछ लाशों को सबूत के तौर पर छोड़ दिया है जिन्हें मैं ठिकाना नहीं लगा पाया। जावेद ने लिखा कि मैं रावी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। इसे पढ़कर आनंद फानंद में लाहौर पुलिस ने जावेद की खोजबीन शुरू कर दी। कहा जाता है कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। जांच में जुटी पुलिस के हाथ जावेद के दो दोस्त लगे, जिन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई। इनमें से एक दोस्त ने पूछताछ के दौरान ही खुदकुशी कर ली। पुलिस इस पहेली का छोर ढूंढ ही रही थी कि जावेद उर्दू अखबार के दफ्तर पहुंच गए और इंटरव्यू देने की मांग करने लगे। जावेद ने संपादक से कहा कि वो आत्मसमर्पण करने आया है। आखिरकार जावेद का इंटरव्यू लिया गया, जिसके खत्म होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान जावेद ने हत्याओं की वजह बताई। अपनी वजह को एक भावुक कहानी की शक्ल देते हुए जावेद ने बताया कि 20 साल की उम्र में उसे दुष्कर्म के झूठे आरोप के आधार पर जेल भेज दिया गया था। जेल में उसकी माँ उसे मिलने आती थी और अपने बेटे की रिहाई की दुआ मांगी। जावेद ने बताया कि बेटे की रिहाई के इंतजार करते करते आंसू बहाते बहाते आखिरकार एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसके बाद उसने कसम खाई कि वो भी 100 बच्चों की माँ को रोने पर मजबूर करे। इसके बाद से ही उसने मासूमों की हत्या करना शुरू कर दी। पुलिस के सामने जुर्म कबूल करते हुए जावेद ने बताया कि वो बच्चों को लाहौर के सतबाग स्थित अपने घर ले जाता, जहाँ उनके साथ पहले दुष्कर्म कर फिर लोहे की जंजीर से उनका गला घोट कर मार देता। जावेद लाशों के छोटे छोटे टुकड़े करता और उन्हें तेजाब में गला देता। लाश के बचे हुए अवशेषों को वो नदी में फेंक देता था। जावेद ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अदालत ने उसे 16 मार्च 2000 को सजाए मौत सुनाई। अदालत ने कहा, जिस तरह जावेद ने 100 बच्चों की गला घोटकर बेरहमी से हत्या की, उसी तरह उसका भी गला 100 बार घोटा जाए, उसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाए और उसे तेजाब में गलाया जाए। अदालत के इस फैसले का दुनिया भर में विरोध किया गया और आखिरकार कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और जावेद को फांसी की सजा सुनाई गई। जावेद की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 8 अक्टूबर 2011 की सुबह कोट लखपत जेल में जेल प्रशासन को छत की सरिया के सहारे लटकी हुई दो लाशें मिली। ये लाशें जावेद इकबाल और उसकी साथी थी। दोनों के हाथ पैर पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। कहा जाता है कि जेल में ही दोनों की हत्या कर दी गई। उन्हें जहर देकर चादर के सहारे छत की सरिया में लटका दिया गया था। हालांकि जेल प्रशासन ने इसे आत्महत्या करा दिया, लेकिन इस मामले में जेल के कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। इस तरह जावेद की जिंदगी की तो कहानी खत्म हो, लेकिन उसके नाम से पाकिस्तान के लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है
तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।